कोई काम था? क्या मतलब कोई काम था? सोना नहीं मुझे। फ्रांस में गए? हाँ, यहाँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ इसी कमरे में रहता हूँ, इसी बेड पर सोता हूँ। मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ सोफे पर। यहाँ चादर बिछा सकती हो तुम, पर कॉकरोच और छिपकलियां हैं थोड़ी इस कमरे में, तो मैं नहीं सो जाएगा। नहीं, मैं यहीं सोऊंगी, आप वहां सो जाएं। वैसे भी पहली बार यहाँ रुक रही हूँ, पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी। कोशिश करो नींद आ जाएगी, और घबराने की जरूरत नहीं। मैंने पापा जान को मेडिसिन देंगे, मैं उसके बाद सोऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना। सुने, यहां वाकई छिपकलियां और कॉकरोचेस होते हैं? नहीं, यहां कुछ भी नहीं है ऐसा। एक बात बताओ, मुझ जैसे भूत से हर वक्त लड़ती रहती हो और कॉकरोचेस से डरती हो? कमाल है, सो जाओ आराम। बाबा, खबरदार खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया होगा तुमने। क्यों आई है यहां पर? क्यों आई है मेरे घर में? क्यों आई है मेरे घर में? ये किसने बुलाया इसको यहां पे? तुमसे पूछ रही हूं अमर, क्यों आई है ये? तुमने बुलाया क्या इसको? निकल जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। आपको कब्र में पहुंचा दिया, इज्जत पहुंचाने आ गई हमें। निकालो इसको बाहर, मैं इसकी शक्ल ही देखना चाहती। निकालो इसको बाहर। तुमने सुना नहीं, निकलो यहां से। मैं क्या पप्पा जान की जिंदगी को तो तमाशा बनाया था, मौत को भी बनाओगी क्या? निकल यहां से। हाथ छोड़ो मेरा और मुझसे दूर खड़े रहो, आई समझ तुम्हें? अमर, खुदा के लिए इसको निकालो बाहर। तुम्हारे पप्पा को हसीयत तो नहीं होगी, बड़ी हसीयत में गए वो यहाँ से, क्या मरने में भी चैन नहीं मिलेगा उनको। प्लीज तुम यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अमर मुझे देखने तो एक बार। नहीं देखेगी उनका मुंह, कभी नहीं देखेगी। डायन कहेगी बर्बाद कर दिया हमें, पहले बहन को खा गई फिर बाप को खा गई, अब क्या करने आए हैं यहाँ पर? निकल जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे बाबा हैं। खबरदार, जबान खींच लूंगी मैं। बाप, बड़ी आई बाप वाली, तेरा बाप नहीं था तो कुछ नहीं लगती हमारी। निकल जाए यहाँ से, दबा हो जा, मुझे तेरी शक्ल से, मुझे नफरत है तुझसे। ऋषभ प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे बाबा हैं, मुझे देखने तो दो। किस कदर ढीठ लड़की है, बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई, अब फिर आ गई है मुंह उठाकर यहाँ। कितनी जिल्लत और रुसवाई दी है तुमने खानदान को, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे कयामत की निशानी है, अपनी सगे बहनोई के साथ भाग गई। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अमर, जनाजा उठाने का वक्त हो गया, रास्ता दें, आइए आप लोग। ऐसे तो नहीं, मैं एक बार तो देखूंगी बाप है मेरा। चलो यहाँ से, क्यों पापा जान को मैं तुम सब में से मारना चाहती हो ये सब करके?
कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत। जिंदगी में इतने सारे गम देख लिए इस घर ने, तुम क्यों रो रही हो? किसके लिए? पापा चले गए। यही कहा ना तुमने, पापा तुम तो सब रिश्ते तोड़ गई थी उनसे। जिस शख्स को मैं मनो मट्टी तले दफना कर आ रहा हूं वो तो कब का मर चुका था। जान तब मर गए थे जब तुम उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर इस घर से भागी थी। तब तब मरते थे जब उनके सामने मीनू पल पल मरती थी। और तब भी मरे होंगे जब मीनू की लाश को कंधा दिया होगा उन्होंने। शायद तुमने कभी किसी लाश को मैयत उठाते देखा? मैंने भी नहीं देखा। जब पापा जान ने मीनू की बशीर को कंधा दिया होगा कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तुम्हें क्या
सारे ताल्लुक सारे रिश्ते तोड़ के चली गई थी। खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते हैं मेरे, और ना ही टूट सकते हैं। बेटी हूं मैं उनकी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है उनकी मौत का। जब जिंदा थे तब तो तुम्हें उनकी कदर ना हो, और मरने के बाद यहां आंसू बहा रही हो। तुम तो ये आंसू बहा रही हो जो सिर्फ पानी है। उपा जान को तुमने खून के आंसू रुलाए, खून के निशान। ये मेरी जिंदगी है, और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। और मुझसे यह हक कोई भी नहीं छीन सकता। जाओ यहां से। अभी और इसी वक्त जाओ यहां से। घर ड्रॉप नहीं करोगे? हमदर्दी में ना से बुरा वतन ही मुझे मंजिल तक छोड़ दो। छोड़ मैं तुम्हें बहुत पहले कर चुका हूं निशा, और रही बात मंजिल की, तो गलत इंसान के साथ सही मंजिल तक नहीं जा सकती तुम। जिस तरह आई थी उसी तरह लौट जाओ। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत और हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, और अपना वक्त जाया मत करो। मुझे अपना वक्त जाया करने की बिल्कुल आदत नहीं है। और मुझे अपने वक्त की कीमत वसूल करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। वो मैं हासिल कर कर रहूंगी। उसे रोने के लिए कंधा दे दिया आपने। ऐसे हमदर्दी तो नहीं होने लगी आप?
कोई हमदर्दी नहीं। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। जिनसे कोई ताल्लुक ना, उनसे इतना करीब भी नहीं हुआ जाता। शक कर रही हूं मुझ पर। यकीन नहीं है मुझ पर। मैंने कब कहा कि मुझे यकीन नहीं है? तुम्हारा अंदाज तो चीख चीख कर ही बोल रहा है। बस मुंह से कहने की कसर रह गई। बचपन से जानती हूं मुझे। पर इतना ही जान पाई हो यह देखकर अफसोस हुआ मुझे। आप पे भरोसा है? निशा भी नहीं है। ताल्लुक मुझसे है। तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। बाकी किसी चीज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बस मुझ पर भरोसा रखो। और एक वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा नहीं। याद रखना। इतना यकीन करोगे मुझ पर? बार बार फोन करती रहूंगी, देखती हूँ कितनी बार लाइन बिजी करता है।
मैं काट दिया। पहली बार में फोन उठा लेते तो इतनी बार कॉल्स करने की जहमत नहीं पड़ती मुझे। फोन तुम्हारी सुनने के लिए नहीं, तुम्हें सुनाने के लिए उठाया मैंने। रात के इस पहर मुझे फोन करने की बजाय अपने शौहर को टाइम दो तुम, उसको जरूरत है। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं जो मैं हस्बैंड पे जाया करूं। और शौहर, मैं उसे अपना शोहर नहीं मानती। तुम्हारे नाम मानने से ना हकीकत बदलने वाली नहीं। अहमर, हकीकत बदलना और वक्त पलटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है निशा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत खतरनाक चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस वहां ले जाकर मारेगा जहां तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा और ना ही कोई रास्ता होगा। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी, और फिर भी मुझे कहते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बंद कर देता हूं। अब फोन नहीं आएगा। तो जा दो। I'm sorry. तुम खाने पे क्यों नहीं आई? भूख नहीं है। देखो प्लीज थोड़ा सा तो। मुझे भूख नहीं है इसमें। निशा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त। आप प्लीज मुझे टच मत करें और पीछे हो जाएं। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकते? निकल जाएं आप मेरे कमरे से बाहर। प्लीज जाएं यहां से।
निकल जाए अब मेरे कमरे से। देखो निशा, अगर मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे हुक्म चलाओ और बदतमीजी भी करो। और आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरे कमरे से चले जाएं। मुझे आपकी आवाज भी नहीं सुननी। मुझे ना इस चेहरे से नफरत है, दहशत होती है मुझे आपके वजूद से। क्या हो गया चेहरे को? क्यों अब इसे देख के तुम्हें वहशत होती है? मत भूलो कि इस चेहरे के पीछे तुमने अपनी बहन को मेरी जिंदगी से निकाला, अपनी बचपन की मंगनी तोड़ दी। इसी चेहरे के पीछे तुम मोहब्बत में पागल हुई थी। पागल थी ना मैं? वो सब कुछ मेरा पागलपन था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जितनी बदसूरती छुपी है ना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। ऐसी कौन सी बदसूरती देख ली है तुमने? बोलो। मैं तो बिल्कुल वैसे हूं जैसे कल था, बदल तुम गई हो। तुम्हारी नीयत में फतूर आ गया है। पहले तुमने अपनी झूठी मोहब्बत का जाल मेरे गिर्द बना, और अब तुम्हें मेरे साथ रहने में घुटन हो रही है। तुम ही मेरे और मीनू के बीच में आई थी। मैं जब भी उसके करीब जाता तुम सामने आ जाती, हाथ पकड़ लेती, आंखें फेर लेती मेरी। तुम तो यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को ना देखूं, ना छोड़ दूं उसे, तलाक दे दूं। वाह, बहुत अच्छे। इस बात का इल्जाम भी आप मुझे दे दें, क्योंकि मैंने तो बहकाया आपको। आप तो अपनी बीवी के बहुत वफादार थे, बहुत ज्यादा, छोड़ना ही नहीं चाहते थे। मैंने जबरदस्ती की आपके साथ, है ना? तुमने मुझे मैंने आपसे मजबूरी में निकाह नहीं किया है। सारी है कि आपका खुद का किरदार इतना हल्का है कि जरा सी ठेस लगने से टूट गया। बस बंद करो तुम। मैंने मीनू को तुम्हारी वजह से छोड़ा था, तुम्हें पाने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरा इस घर दौलत जायदाद में हिस्सा कम है, तो तुम्हारा मोहब्बत का ताजमहल टूट गया, और तुम्हारा वो 2% का कजन जिसकी गुर्बत से छुटकारा हासिल करने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया, आज उसका स्टेटस देखकर तुम्हें मेरी शक्ल जहर लगने लगी है।
आपको पता है मुझे आपकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सोचना है सोचते रहे। कहाँ जा रही हो तुम? क्यों छोड़ना चाहती हो तुम मुझे? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, मेरी मर्जी। नहीं रहना चाहती आपके साथ, मुझे तलाक चाहिए। लड़की मत समझना, हाँ? आजादी चाहिए। आजाद होना चाहती हूँ, हाँ? पूरी उम्र कैद रखूंगा तुम्हें इस कमरे में, चीखे मार के मर जाओगी लेकिन आजाद नहीं करूंगा तुम्हें। मैं भी देखती हूँ कैसे आजाद नहीं करते। औरतों के हाथ उठा के कोई अजमान, अजमान दरवाजा, अजमान दरवाजा खोली, अजमान, अजमान दरवाजा खोली। बार बार सोचा दा जाब सेना।